अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दार एजुकेशन के सेशन नंबर 37 के अंदर शीशा वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदेद। इस सेशन में आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप नॉन रेक्टेंगुलर फॉर्म्स बना सकते हैं। सो आप सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं और एक फाइल न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। आप इसको वीडियो सी शार्प पे रखिए, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे आइए, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ नॉन रेक्टेंगुलर। इसको मैं ब्राउज करके जहां पे आपने इसको स्टोर करना है मैं वहां पे स्टोर कर देता हूँ। आप इसको ओके कर दीजिए। अब सबसे पहले आप फॉर्म का नाम रखिएगा, फॉर्म की प्रॉपर्टीज में आइए, इसको आप रीनेम कर दीजिए। इसका रीनेम यहाँ पे फॉर्म वन लिखा है, आप इसको फॉर्म एलिप्स कर दें। ये नाम चेंज करने के बाद आप इसको फॉर्म बॉर्डर स्टाइल पे आइए और इसको साइजेबल की बजाय नन कर दीजिए। ये करने के बाद आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे प्राइवेट वाइड फॉर्म एलिप्स लोड का ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्गुमेंट्स का आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज करें दिस डॉट बैक कलर, आप इसको कलर दे दें कलर डॉट कोरल। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं, इट डजंट मैटर। अब ये पीछे भी हम इसको देख चुके हैं सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ड्राइंग टू डी डॉट ग्राफिक्स पाथ। यहाँ पे आप एक पाथ क्रिएट कर लीजिए इज इक्वल टू न्यू, एक हम नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ड्राइंग टू डी डॉट ग्राफिक्स पाथ। ये ऑटोमेटिकली उसने सारा आपको दे दिया, आप इसको एक नया ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब इसको आप पाथ डॉट एड एलिप्स, अब आप इसको डायमेंशन दीजिए 0 0 दिस डॉट विड्थ दिस डॉट हाइट। इसके बाद आप दिस डॉट रीजन डिसाइड कीजिए इज इक्वल टू न्यू रीजन और फिर हम इसको पाथ दे जो आपने पाथ अभी ऊपर डिफाइन किया है यहाँ पाथ जो आपने दिया। आप देखा कि ये फॉर्म की शक्ल जो है वो एक एलिप्स की तरह आ चुकी है। आप इसको इस तरीके से भी अपनी कोई डिजाइनिंग, आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं चाह रहे तो आप इस तरीके से भी फॉर्म को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लेकिन अगर हम इसमें और भी हमें थोड़ा सा बटन वगैरह करना चाहें तो हमें ताकि फॉर्म के अंदर हमें कुछ पता चले कि ये वाकई फॉर्म है या कोई बेसिकली ये एक वो है, ताकि ये समझने में आसानी रहे कि कहीं ये ग्राफ तो नहीं हमने बनाया, कोई ऐसी एलिप्स तो नहीं बना दी, तो फॉर्म वन पे आ जाए आप और यहाँ पे आप एक टूल बॉक्स करके एक बटन ऐड कर लीजिए।
आप बटन के लिए बटन का प्रोग्राम पे क्लिक कर दें, ये आपका बटन आ चुका है। इसकी आप प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये कोई ग्राफिक्स नहीं है बल्कि इसको आप इसको एक बटन के तौर पे देखें, तो आप इसको दिस डॉट क्लोज कर दें। ऑलवेज यूज द स्मॉल पैरेंथेसिस फॉर द फंक्शन। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखेंगे क्लोज आ चुका है। आप इसे क्लोज करेंगे, ये फॉर्म आपका बन। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंप्रूव दिस कोड मोर एंड मोर विद द हेल्प ऑफ दैट। आप हमें अपने कमेंट्स भेजते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।